तो कोर्ट कपूरा गोलीकांड में सबसे बड़ी कार्रवाई, इस वक्त की बड़ी खबर। आईजी परमराज सिंह उमरा नंगल को हिरासत में लिया गया, एसआईटी ने आईजी को हिरासत में लिया है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर मिल रही है, इस वक्त की बड़ी खबर। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए, तफसील से, विस्तार से बात करने के लिए हमारे MH1 न्यूज के एडिटर इन चीफ नवीन शर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। नवीन जी, ये बड़ी खबर मिल रही है कोर्ट कपूरा गोलीकांड के मामले में कार्रवाई हुई है, आईजी को हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ हो रही है कि एसआईटी ने जो कार्रवाई की है, क्या अपडेट मिल रहा है आपको? देखिए लवी, इस केस में जिस तरह से पंजाब की सियासत के ऊपर बड़ा गहरा असर डाला था और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई थी पंजाब गवर्नमेंट के आदेशों के बाद, तो ये एक आरोप लगते रहे थे कि पंजाब गवर्नमेंट जो है इस चीज को डिले कर रही है। लेकिन पंजाब जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई, उसके जो हमने पिछले 15-20 दिन में जो कार्रवाइयां देखी हैं, उसमें काफी तेजी आई है। और उसी में आज एक सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए आईजी लेवल के एक सर्विंग पुलिस ऑफिसर हैं IPS परमराज सिंह उमरा नंगल, इनको डिटेन किया गया है, इन्हें हिरासत में लिया गया है। अभी फॉर्मल इनकी अरेस्ट नहीं दिखाई गई है। हमारे सूत्रों ने चंडीगढ़ में यह बताया कि उन्हें पंजाब पुलिस हेडक्वार्टर में जाकर उनको डिटेन किया गया है। परमराज सिंह उमरा नंगल जो हैं, उनका नाम इस केस में तब आया क्योंकि जब ये कोर्ट कपूरा गोलीकांड की जांच हो रही थी और इनसे, परमराज सिंह उमरा नंगल से, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम पहले भी 3 बार पूछताछ कर चुकी है। क्योंकि आईजी उमरा नंगल को कोर्ट कपूरा जाने के निर्देश किसने दिए थे, क्योंकि उस समय उनकी तैनाती उस समय कहीं और थी। और इस जो उस समय का जो पूरा किरदार है सीनियर पुलिस अफसरों के ऊपर आ रहा है। और अगर आपको याद हो, उस समय जो DGP थे, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सुमेध सिंह सैनी थे, उनकी भूमिका को, उनके किरदार को, उनके रोल को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम अच्छी तरह से खंगालना चाहती है। तो ये बार बार परमराज सिंह उमरा नंगल से पूछा जा रहा था कि अगर आपकी तैनाती कहीं और थी तो आपको कोर्ट कपूरा जाने के निर्देश कहां से आए थे। इस चीज को लेकर SIT जो है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम उनसे पहले भी 3 बार पूछताछ कर चुकी है। और अगर आपको याद हो, चरणजीत शर्मा जो रिटायर्ड हैं, उनको हिरासत में लेकर, उनको जुडिशियल रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। तो वो तो रिटायर्ड थे जब उनको होशियारपुर में उनके घर से 4:30 बजे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की टीम ने उनको अरेस्ट किया था। और बाकी जो नामजद पुलिस ऑफिसर्स थे उनको सम्मन देकर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपने सामने बुलाया था। ये सारी कार्रवाई होती रही। लेकिन एक आप ये मान के चलिए कि चरणजीत शर्मा एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं और IG लेवल के परमराज सिंह उमरा नंगल एक सर्विंग पुलिस ऑफिसर हैं। और अब ये उस समय जो मौके पर उस समय मौजूद थे, 2 बड़े पुलिस अफसरों के नाम आए, जितेंद्र जैन और परमराज सिंह उमरा नंगल, दोनों के दोनों वहां पर अक्टूबर 2015 में जो ये घटना है कोर्ट कपूरा की, उस समय परमराज सिंह उमरा नंगल उस जो मौके पर कहेंगे या उस एरिया या उस रीजन में आप कह जा सकते हैं कि सीनियर पुलिस ऑफिसर थे। और उनसे ये भी पूछताछ की जाएगी कि बहबल कला में जो SP चरणजीत शर्मा को अरेस्ट किया गया, उनको वहां पर क्यों भेजा गया था। तो आप ये मान के चलिए कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जिस तरह से दावे कर रही थी, हमने कुंवर विजय प्रताप सिंह जो IG लेवल के अफसर हैं, जो और DGP प्रबोध कुमार हैं, इनके भी हमने बाइट्स पहले दिखाए थे और जो इन्होंने पहले भी ये दिया था मीडिया में बयान कि जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है बिना किसी पॉलिटिकल प्रेशर के काम कर रही है। और चरणजीत शर्मा को अरेस्ट करने के बाद, अगर आपको याद हो, अमृतसर में IG कुंवर विजय प्रताप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दावा किया था कि हम पर किसी भी तरह का प्रेशर नहीं है और जल्दी ही हम और बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये जो और बड़ी कार्रवाई में परमराज सिंह उमरा नंगल को डिटेन किया जाना, आप ये मान सकते हैं कि इस दिशा की तरफ सबसे कार्रवाई आप इसको कह सकते हैं। जी, बड़ी कार्रवाई से कह सकते हैं। नवीन जी, जांच के दायरे में, SIT के संदेह के घेरे में क्या और लोग भी हैं जिन पर अभी गाज गिर सकती है, उनको डिटेन किया जा सकता है? ध्यान हो तो इसमें काफी सारे नामजद पुलिस ऑफिसर्स हैं जिन्होंने हाईकोर्ट, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से एक कवर ले रखा था, उनसे एक अग्रिम जमानत के लिए वो कह रहे थे। और आपको याद हो फरीदकोट के जो सेशन कोर्ट है वहां पर भी उनकी सुनवाई हुई थी और वो एक लीगल जो कहते हैं अल्टरनेटिव अपनाने की कोशिश कर रहे थे। और अगर आपको याद हो कैवियट पिटीशन जो थी पंजाब सरकार की तरफ से भी डाली गई थी। तो ये एक लीगल लड़ाई चल रही है। लेकिन नामजद पुलिस ऑफिसर्स को लेकर अगर आपको ये भी ध्यान हो, DGP सुमेध सिंह सैनी को भी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से ये छूट मिली हुई है। और इनसे जो
एक सीनियर पुलिस ऑफिसर्स में जैसे आपने मैंने बताया सुमेध सिंह सैनी से पूछताछ की जानी थी, डीजीपी जो डीजीपी थे उस समय के, उसके बाद एसपी चरणजीत शर्मा को तो बकायदा फॉर्मल अरेस्ट किया गया और बाकी जो जूनियर ऑफिसर्स थे और एक इंस्पेक्टर लेवल के भी ऑफिसर्स थे जो जो नामजद थे वो सबके सब अपना लीगल अल्टरनेटिव अपनाकर अपनी एक सुरक्षित कवच बनाकर वो भी चल रहे थे। लेकिन बैबलगला कोली कांड में आप मान के चलिए कि 3 साल के बाद जो उस समय के तत्कालीन एसएसपी थे वहां पर चरणजीत शर्मा की पहली गिरफ्तारी ने एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि डीजीपी सुमेध सिंह सैनी और जितने भी नामजद पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको परेशानी में डाल दिया है, क्योंकि अब जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की जो आगे कार्रवाई होगी या जिस तरह से भी होगा वो कुछ ना कुछ इस हद पर निर्भर करेगी कि जो चरणजीत शर्मा ने पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पुलिस इंटरोगेशन में जो कन्फेस किया है उसके आधार पर अब जो अगले सवाल जवाब होंगे वो दूसरे पुलिस ऑफिसर से किए जाएंगे। लेकिन जब आप एक पुलिस ऑफिसर को फॉर्मल अरेस्ट करके उससे पूछताछ करते हैं तो जान जो उनसे जो पूछताछ की जाती है वो उन सवालों के क्या जवाब देते हैं और क्या कन्फेस करते हैं और किन पुलिस अधिकारियों की तरफ उंगली करते हैं किन की तरफ इशारा करते हैं, तो ये सब चीजें जो होंगी एक के बाद एक तार ये जुड़ते चले जाएंगे। और ये आप मान के चलिए कि चरणजीत शर्मा की गिरफ्तारी के बाद स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो ये कर रही थी एसआईटी की जांच, उनको एक आधार मिल गया, उनको एक बेस मिल गया पुलिस ऑफिसर्स की जांच करने के लिए। और आप मान के चलिए कि होशियारपुर में जहां से एसएसपी को गिरफ्तार किया था, आप याद करें कि उन्होंने दीवार फांदकर भागने की भी कोशिश की थी, तो एसआईटी की कई सारी टीम ने उनके घर में सुबह 4:30 बजे रेड मारकर छापा मारकर उनको वहां से गिरफ्तार किया और उसको आपको याद होगा कि उनको होशियारपुर से अरेस्ट करके अमृतसर लाया गया था। और उसके बाद जितने से दूसरे नामजद पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके लिए भी सम्मन जारी किए गए थे। आपको याद होगा कि एसआईटी के सभी सीनियर पुलिस ऑफिसर्स उनके इंक्लूडिंग डीजीपी प्रबोध कुमार ये सब के सब चंडीगढ़ में एक पीएपी जो कैंप ऑफिस है वहां पर उनका बकायदा उस तारीख को इंतजार करते रहे और कोई भी पुलिस ऑफिसर उस दिन वहां पर मौजूद नहीं हुआ, कोई भी सम्मन के लिए पेश नहीं हुआ। तो ये भी माना जा रहा था कि एसआईटी जल्दी ही इन सब की फॉर्मल गिरफ्तारी कर सकती है और ये सब चीजें चल रही थी, लीगल जो टसल चल रही थी। आपको बताया कि फरीदकोट के सेशन कोर्ट में भी इनकी अग्रिम जमानत इनके एंटीसिपेटरी बेल के लिए भी सुनवाई हुई थी, लेकिन अब जिस तरह से मैंने बताया कि आईजी परमराज सिंह उमरा नंगल जो उस समय उस रीजन में तैनात सबसे सीनियर पुलिस ऑफिसर्स थे अब उनसे पूछताछ की जानी जरूरी है और अगर उनको हिरासत में लिया गया है उनको डिटेन किया गया है तो आप ये मान के चलिए कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की तरफ से की जाने वाली ये अब तक की सबसे सख्त और बड़ी कार्रवाई है। जी सबसे बड़ी और अहम कार्रवाई है यहाँ पर नवीन जी, लेकिन 2015 का ये मामला जिस तरह से जो धार्मिक बेअदबी के मामलों में लोग प्रदर्शन कर रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से उन पर जिस तरह से बल प्रयोग किया गया गोलियां चलाई गई, जाहिर है अब जो पुलिस है लगातार एसआईटी जो है उनसे जाँच कर रही है, डिटेन किया जा रहा है। आपने बताया कि बहुत बड़ी कार्रवाई है, अभी कितनी देर तक पूछताछ जो है हो सकती है और क्या पूछताछ में अगर कोऑपरेट नहीं करते तो यहाँ पर कोई और कदम भी उठाने पड़ेंगे? स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के जो ऑफिसर्स हैं वो पूरे टाइट लिप्ड हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं दे रही। हमने अपने सूत्रों से भी बात की, पुलिस ऑफिसर से भी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के जो ऑफिसर्स हैं वो अभी इस पूरे अपनी मॉडस ऑपरेंडी को और अपनी इस पूरी स्ट्रेटेजी को रिवील नहीं कर रहे हैं। शायद इनसे कुछ करने के बाद, पूछताछ करने के बाद अगर कोई क्ल्यू उस एसआईटी के हाथ में लगता है तो ये मान के चलिए कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो एक बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दे सकते हैं। लेकिन ये केस जिस तरह से एक आम केस नहीं कह सकते इसे आप, एक सेंसिटिव केस है, लोगों के धार्मिक भावनाओं से जुड़ा है, इमोशनल सेंटिमेंट से जुड़ा है और एक बहुत ही सेंसिटिव केस है, इसलिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी ये चाहेगी कि इसके केस से तो जो कार्रवाई की जो डेवलपमेंट है वो सारी की सारी मीडिया से शेयर ना की जाए। लेकिन आप ये मान के चलिए कि जिस तरह से 10 अगस्त 2018 को पिछले साल आपको याद होगा कि इस पूरे मामले की जांच के लिए जो पिछली सरकार थी उन्होंने एक जोरा सिंह कमीशन बनाया था, जोरा सिंह कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी, उसके बाद जब कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार बनी पंजाब में इन्होंने 10 अगस्त 2018 को जब जो एक जस्टिस रिटायर्ड जस्टिस रंजीत सिंह कमीशन बनाया उन्होंने अपनी रिपोर्ट में साफ जाहिर किया था 4 पुलिस अफसरों को आरोपी मानते हुए। आप मान के चलिए मौका में तैनात चरणजीत शर्मा, एसपी विक्रमजीत सिंह, इंस्पेक्टर अमरजीत सिंह और सब इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार को इस पूरे केस में नामजद किया था। सरकार ने आयोग की रिपोर्ट ली थी तो आपको याद होगा कि पंजाब की विधानसभा के अंदर असेंबली के अंदर काफी हंगामा हुआ था और आपको ये भी याद होगा कि जो विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष के जो एमएलए हैं, उन्होंने रिटायर्ड जस्टिस रंजीत सिंह कमीशन की रिपोर्ट को फाड़कर बाहर फेंका भी था मीडिया के सामने,
उस चीज को उछाला भी था। और जब ये विधानसभा में इसको लेकर काफी हंगामा हुआ तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये ऐलान किया कि ठीक है हम एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाते हैं और वो ही इस केस की जांच करेगी। तो इस पे भी विपक्ष ने ये उंगली उठाई थी कि एक पुलिस ऑफिसर ही दूसरे पुलिस ऑफिसर के किरदार की उसकी भूमिका की जाँच कैसे कर सकते हैं। तो जब ये सवाल उठे तो उसके बाद ये दावा किया गया कि जो SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है उसमें सारे इंटीग्रिटी वाले ईमानदार और मेहनती पुलिस ऑफिसर्स को शामिल किया गया है। और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी ये दावा किया था कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम पर किसी भी तरह का कोई पॉलिटिकल दबाव नहीं है और वो अपनी जांच जो है बड़े निष्पक्ष तरीके से बड़े इंडिपेंडेंट एंटिटी के तौर पर वो कर रहे हैं। उसके बाद जब SIT बनाई गई और SIT बनाने के बाद SIT ने जिस तरह से काम करना शुरू किया, और अब आपको याद होगा कुंवर जो IG हैं कुंवर विजय प्रताप सिंह, उन्होंने भी ये दावे किए थे कि हम अच्छी तरह से इसकी जांच कर रहे हैं, लेकिन पिछले एक महीने के अंदर इस जांच में जिस तरह की तेजी आई है, जांच में जिस तरह की डेवलपमेंट्स लगातार हम एक के बाद देखते जा रहे हैं, उसके बाद हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जल्दी ही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इस बड़े मसले को लेकर किसी ना किसी नतीजे पर पहुंच सकती है। और अगर सियासी इसकी सरगर्मियों पर नजर डालें तो लोकसभा चुनावों से ठीक पहले पंजाब की जो कांग्रेस सरकार है वो भी ये चाहेगी कि इसमें जो दूध का दूध पानी का पानी करें या सामने एक रिपोर्ट लाई जाए, क्योंकि लोकसभा इलेक्शंस में आप मान के चलिए पंजाब में ये एक बहुत बड़ा इलेक्शन इशू बनने वाला है। जी, बहुत बड़ा इलेक्शन इशू बनने वाला है और जाहिर है पंजाब के पॉलिटिक्स पर भी इसका पूरा असर दिख सकता है। नवीन जी, ऐसे में क्या माना जाए, अभी तो यहाँ पर जो जांच का दायरा है वो काफ़ी बड़ा है और यहाँ पर बड़ी कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। SIT जो है फिलहाल पूरे मामले की जाँच भी कर रही है, हिरासत में लिया गया, बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की गई है। ऐसे में क्या पूछताछ के बाद ये जो गाज है या ये जो जाँच का जो दायरा है बढ़कर नेताओं तक भी पहुँच सकता है? उसके बाद के रिपरकशंस होंगे, उसके बाद के रिजल्ट्स होंगे, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें नामजद पुलिस ऑफिसर्स थे और पुलिस ऑफिसर्स को नामजद किया था जस्टिस रिटायर्ड जस्टिस रंजीत सिंह कमीशन की रिपोर्ट में। मैंने उनके नाम बताए, चरणजीत शर्मा, विक्रमजीत सिंह, अमरजीत सिंह और सब इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार, जिनमें से जो सबसे मेन एक्यूज जिसको कह सकते हैं आरोपी थे चरणजीत शर्मा, जो उस समय SSP थे मोगा के तत्कालीन, उनकी जो गिरफ्तारी थी उसने आप कह सकते हैं कि और कई सीनियर पुलिस ऑफिसर्स की जो है परेशान बढ़ा दी हैं। और इसमें आप ये मान के चलिए कि DGP जो समय डायरेक्टर जनरल पुलिस थे सुमेध सिंह सैनी, उनके ऊपर भी उंगलियां उठती रही हैं और SIT जो थी उन तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ रही थी। और आप ये मान के चलिए कि चरणजीत शर्मा से जो अब तक की पूछताछ हुई है, उनसे कई दिन तक लगातार पूछताछ की गई है, उनसे सैकड़ों सवाल पूछे गए हैं और मुझे लगता है कि चरणजीत शर्मा ने अब तक जो जवाब दिए होंगे या जो भी पुलिस इंटरोगेशन में कन्फेस किया होगा, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन अब उन्हीं के आधार पर, उन्हीं जवाबों के आधार पर अब अपना कदम तय कर रही है। और इन्हीं को मानते हुए आप ये मान के चलिए कि IG लेवल के सीनियर पुलिस ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर परमराज सिंह उमरा नंगल को हिरासत में लिया जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है, अपने आप में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। लेकिन अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे जो सूत्रों ने बताया है कि उनको डिटेन किया गया है, अभी उनकी फॉर्मल गिरफ्तारी या अरेस्ट नहीं दिखाई गई है, वो शायद बाद में इसमें डेवलपमेंट हो, लेकिन उनको एक डिटेन किया गया है, हिरासत में लिया गया है, क्योंकि उनके किरदार को लेकर, उनके रोल को लेकर काफी सवाल उठते रहे हैं, क्योंकि वो उस समय उस रीजन में तैनात जो पुलिस ऑफिसर्स थे उनमें सबसे सीनियर पुलिस ऑफिसर्स थे। चरणजीत शर्मा जिन्हें पहले अरेस्ट किया गया वो मोगा के SSP थे, जिन्हें कोटकपुरा में उस समय बैबल कला में सड़क जाम कर रहे जो प्रदर्शनकारी थे उनको हटाने के लिए भेजा गया था, और जब वो प्रदर्शनकारी वहां से नहीं हटे तो उन्होंने लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया। और जो ये भी आरोप लगे कि चरणजीत शर्मा के जो गनमैन थे उन्होंने भी भीड़ पर फायरिंग की, उस समय SP विक्रमजीत थे और SHO बाजाखाना एक एरिया है वहां पर, बाजाखाना SHO अमरजीत सिंह कुलार भी वहां पर थे, इसलिए SIT उस समय तैनात उस रीजन में तैनात सभी सीनियर पुलिस ऑफिसर्स के रोल्स को, उनके किरदार को, उन्होंने क्या क्या रोल निभाया होगा, उनकी क्या भूमिका रह सकती है, SIT सभी ऑफिसर्स की भूमिका को जांच करना चाहती है। तो आप ये मान के चलिए कि इसलिए परमराज सिंह उमरा नंगल आप सीनियर लेवल के ऑफिसर्स थे उनको हिरासत में लेकर अब डाउन द लाइन ये चेक किया जाएगा कि परमराज सिंह उमरा नंगल को कहाँ से इंस्ट्रक्शंस आए थे और परमराज सिंह उमरा नंगल ने उस समय सीनियर पुलिस ऑफिसर होने की हैसियत से अपने सबॉर्डिनेट्स को, अपने जूनियर ऑफिसर्स को क्या आदेश दिए थे, ये सब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जाँच करना चाहेगी। जी नवीन जी, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने काफ़ी तफसील से इस पूरे मामले पर रोशनी डाली है और फिलहाल ये बड़ी कार्रवाई जो है वो जारी है। IG परमराज सिंह उमरा नंगल को
डिटेन किया गया है, उनसे हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है एसआईटी। एसआईटी ने आईजी को हिरासत में लिया है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिली है। तो कोटकपूरा गोलीकांड में यह बड़ी कार्रवाई हुई है।